मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। आज इस वीडियो में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कैसे हमें एडमिशन लेना है, क्या क्या एडमिशन लेते समय ध्यान में रखना है, कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी में बैंक गारंटी है, किसमें बॉन्ड है, इनकी फीस कैसे पे करनी है, तो इस प्रकार से हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस इंक्रीज का प्रावधान है हर साल, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने से फायदा होगा, तो इस वीडियो में हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, फीस क्या रही थी, कट ऑफ क्या रही थी, इसके बाद में कैसे आप सीट छोड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें काउंसलिंग के लिए कॉलेज की लिस्ट है, कौन सी टॉप कॉलेज है, कौन सी लोवेस्ट कॉलेज है, स्टेट की अलग बुक है, ऑल इंडिया की अलग बुक है, आयुष वेटनरी की अलग बुक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, वैल्यू के सामने नॉलेज अगर आपको लेना है तो नॉलेज के सामने किसी भी चीज की, मतलब कि अगर आपको पैसा भी खर्च करना पड़ जाए नॉलेज के लिए तो उसकी बराबरी नहीं होती है। हम अमूमन क्या करते हैं, थोड़े से पैसे बचाव के लिए नॉलेज गेन नहीं करते हैं और फिर हमें थोड़ा सा उसमें नुकसान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जानकारी लेनी है तो ये बुक जरूर आपको डाउनलोड करनी चाहिए। तो वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में 46 टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और इन 46 डीम्ड यूनिवर्सिटी में 8100 एमबीबीएस की सीटें हैं। यहां हम एमबीबीएस की ही बात कर रहे हैं। इन डीम्ड यूनिवर्सिटी में बीडीएस भी होता है, बीडीएस के कोर्स भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एमबीबीएस की बात ही कर रहे हैं। अब ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये एक प्राइवेट कॉलेज ही होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज ही होती है। अंतर ये है कि इनका खुद का यूनिवर्सिटी होता है, खुद का मेडिकल कॉलेज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि कर्नाटका के अंदर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर वहां की सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आती हैं, लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी खुद की प्राइवेट कॉलेज है और खुद की यूनिवर्सिटी, यानी कि उनकी कॉलेज में उनके ही रूल फॉलो होते हैं, तो ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसलिए इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इनके खुद के ही रूल रेगुलेशन लागू होते हैं क्योंकि इनकी खुद की ही यूनिवर्सिटी होती है। तो अभी इसमें जो टोटल 46 डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनमें फीस काफी ज्यादा होती है। इनकी जो काउंसलिंग करवाती है वो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है, बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग स्टेट करवाता है। तो इन डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस काफी ज्यादा होती है। अब यहां हम माने तो यहां 10 लाख से स्टार्ट हो रही है इनकी फीस और 25,75,000 मैक्सिमम फीस है डीआरडीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की। और सबसे कम फीस की पिछली साल की कॉलेज है सिंबोसिस पुणे की कॉलेज, जो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही थी। तो ये फीस के अकॉर्डिंग ही इसकी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ का मतलब कि अगर जिस कॉलेज की फीस ज्यादा है, जिस डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी और जिसकी फीस कम है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो इस प्रकार से ये फीस का रहता है इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में। अब इस डीम्ड यूनिवर्सिटी हम ये बात करते हैं कि इसमें बैंक गारंटी और बॉन्ड का क्या चक्कर है, इसमें मतलब कि बॉन्ड कितना लिया जाता है और बैंक गारंटी कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी में है, ये आपको एडमिशन के टाइम में ध्यान रखने वाली बात है। तो बॉन्ड का मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड हर डीम्ड यूनिवर्सिटी में है। टोटल 46 डीम्ड यूनिवर्सिटी में बॉन्ड आपसे लिया जाएगा। बॉन्ड का मतलब यह होता है कि एक स्टैम्प पेपर पर
₹200 का हो या ₹500 का, उसके ऊपर एक अंडरटेकिंग लिखा होता है कि अगर मैं इस कोर्स को एडमिशन लेने के बाद में डिसकंटिन्यू करता हूं तो मेरे को फुल कोर्स की इंटायर कोर्स की फीस पे करनी होगी, पूरे कोर्स की फीस पे करनी होगी। तो ये होता है बॉन्ड, और ये हर डिम्ड यूनिवर्सिटी में होता है। एडमिशन के टाइम में आपसे हर एक डिम्ड यूनिवर्सिटी ये बॉन्ड भरवा लेगी, और ये बॉन्ड फिल करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद हर एक का टाइम होता है, जैसे 7 दिन 15 दिन के बाद में अगर आप उस सीट को छोड़ते हैं, सेकेंड राउंड के बाद में अगर आप सीट को छोड़ते हैं, तो आपको पूरे कोर्स की फीस पे करनी होगी। तो ये बॉन्ड जो है वो हर एक डिम्ड यूनिवर्सिटी में फिल करवाया जाता है। अब हम बात करें यहां बैंक गारंटी की, तो बैंक गारंटी 3 डिम्ड यूनिवर्सिटी में है, 3 डिम्ड यूनिवर्सिटी में बैंक गारंटी है। वो बैंक गारंटी आपको बैंक में उतना अमाउंट पे करके बैंक से गारंटी लेनी होगी, या फिर कोई आपका एफडी अमाउंट है तो उसके बिहाफ में आप बैंक से गारंटी ले सकते हैं। उनका परफॉर्मा उनकी वेबसाइट पर मिल जाता है। अब ये 3 डिम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जहां पर बैंक गारंटी ली जाती है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले SBKS मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वडोदरा में है। SBKS है, इसमें 3.5 साल की 1 ईयर की तो फीस यहां पर डिपॉजिट हो जाती है फर्स्ट ईयर में ही, बाकी जो रिमेनिंग 3.5 साल बचते हैं इनकी या तो आप बैंक गारंटी दे सकते हैं, या तो इस फीस की बैंक गारंटी दे सकते हैं, या फिर चेक दे सकते हैं, तो यहां दोनों ऑप्शन है, या तो आप बैंक गारंटी दे दो या फिर चेक दे दो, तो यहां चेक ही सही रहेगा। तो यहां कोई बड़ा इश्यू नहीं है इस कॉलेज के लिए, SBS कॉलेज के लिए बैंक गारंटी का इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, आप चेक भी दे सकते हैं। जो दूसरी कॉलेज है वो श्री सिद्धार्था, इसकी 2 कॉलेज है, श्री सिद्धार्था की 2 कॉलेज हैं, एक टेम्पकूर में है और एक टी बैगूर है, तो इन दोनों में बैंक गारंटी है, वो ही रिमेनिंग 3.5 साल की बैंक गारंटी, आपको 3.5 साल की फीस पे करनी होगी। तो मात्र 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें आपको बैंक गारंटी देनी ही है 3.5 साल की, तो उनमें एडमिशन लेते समय आप इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बैंक गारंटी देनी होगी। बाकी SBKS जो जैन माइनॉरिटी का वडोदरा का कॉलेज है उसमें आप चेक भी दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी डिम्ड यूनिवर्सिटी में बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, और बैंक गारंटी का इश्यू स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो पूरी फीस ही आपको बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी तभी बैंक आपको गारंटी देगा, या फिर FD के बिहाफ में गारंटी देगा, तो ये आपको अमाउंट इतना बैंक में डिपॉजिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बैंक गारंटी का इश्यू बड़ा होता है। ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें कौन कौन से स्टेट में बैंक गारंटी है उनके प्राइवेट कॉलेज में, ये मैंने अपने बुक में अच्छी तरह से समझा रखा है हर एक स्टेट में, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में बैंक गारंटी है। जिस स्टेट में बैंक गारंटी है उसको मैंने अच्छी तरह से उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इस स्टेट में बैंक गारंटी है, आप एडमिशन लेते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये तो हो गई बैंक गारंटी और बॉन्ड की बात, जो आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते समय जरूरी है ध्यान रखना है। अब जो फीस है यहाँ की, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस है, मैंने आपको बताया 10 लाख से लेके 25 लाख 75 हजार तक इनकी फीस है। तो इनकी फीस में और क्या क्या लिया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, और क्या क्या लिया जाता है इसके अलावा, तो इसके अलावा हम माने तो इसमें हॉस्टल फीस ली जाएगी आपसे, प्लस मैस फीस ली जाएगी, यानी कि हॉस्टल और मैस का अलग से चार्ज लिया जाता है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस ही दिखाई जाती है इसमें। अब किसी किसी डिम्ड यूनिवर्सिटी में पर ईयर इंक्रीमेंट है, पर ईयर
इंक्रीमेंट है, तो वो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इंक्रीमेंट हर साल है वो कितना परसेंट है ये आपकी हर साल फीस की बढ़ोतरी करता रहेगा। तो हम यहां देखें कौन कौन सी डीम्ड में हर साल फीस का इंक्रीमेंट होता है, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं एमएम हरियाणा की डीम्ड यूनिवर्सिटी है अंबाला की, उसके अंदर इंक्रीमेंट है वो पर ईयर का इंक्रीमेंट है, वो आप देख लेना उसमें, उसकी जब फीस मैं बताऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि कितना उसमें इंक्रीमेंट है, कितना परसेंट उसमें इंक्रीमेंट है पर ईयर। तो इसमें मेरे ख्याल से जहां तक है 10% पर ईयर इंक्रीमेंट है इस फीस में। इसके बाद में हम दूसरी कॉलेज की बात करें तो दूसरी कॉलेज की हम बात करते हैं तो जो भारती है पुणे में, उनमें 5% जो पुणे की भारती है उसमें पुणे में है ये, और उसमें 5% पर ईयर इंक्रीमेंट तो ट्यूशन फीस में है 5%, और 10% इंक्रीमेंट पर ईयर इसमें डेवलपमेंट फीस में है। तो ये इस कॉलेज में इंक्रीमेंट है, तो एडमिशन लेते समय आप ये कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा ये कॉलेज फिल करने से पहले। इसके बाद में हम बात करें जो थर्ड कॉलेज है वो है दाता मेघे कॉलेज, ये पुणे में है, ये पिछले साल रन हुई थी, इसमें भी जो इंक्रीमेंट है वो 7.5% का इंक्रीमेंट है, इसकी जो फीस है वो 20,50,000 है और इसका जो इंक्रीमेंट है वो 7.5% पर ईयर इंक्रीमेंट है, तो ये इसमें देख लेना आप। अच्छा चौथी कॉलेज है वो है जेएलएन वर्धा, जेएलएन वर्धा में भी इंक्रीमेंट है, जेएलएन वर्धा में भी इंक्रीमेंट है, वो ही 7.5% पर ईयर का इंक्रीमेंट है इसमें। इसके बाद में हम देखें कृष्णा कार्ड, फिफ्थ नंबर की कॉलेज में यहां लिख देता हूं, ये है कृष्णा कार्ड, ये जो कृष्णा कार्ड है इसमें 7% पर ईयर के हिसाब से इसमें इंक्रीमेंट है फीस में, ट्यूशन फीस में इसमें इंक्रीमेंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है 6 नंबर पर मैं यहां ले लेता हूं सिम्बोसिस, सिम्बोसिस कॉलेज है जो पुणे की कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, 10 लाख उसकी फीस थी, तो इसमें पर ईयर 10% इंक्रीमेंट है, 10% इंक्रीमेंट है, फीस कम होने की वजह से, पिछले साल नई कॉलेज थी फिर भी इसकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई थी क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज था। अब ये तो हो गई आपके इंक्रीमेंट की बात, अब मैं आपको बताऊं कि टॉप कॉलेज कौन सी है इसमें, टॉप डीम्ड कॉलेज कौन सी है। तो टॉप डीम्ड कॉलेज की हम बात करें यहां पर तो इनमें सबसे पहले जो कॉलेज आता है उसके बारे में आप भी जानते हैं, उसके बारे में आप भी जानते हैं, यहां पर जो सबसे टॉप का डीम्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज है वो केएमसी मणिपाल है। उसके बाद दूसरा जो कॉलेज है वो केएमसी मैंगलोर है, और जो तीसरा कॉलेज है वो मैं अभी मान रहा हूं वो है टाटा मणिपाल, जो इसी का है, टाटा मणिपाल इसी का है, इन तीनों कॉलेज को मैं टॉप में मान रहा हूं। हालांकि ये पिछले साल रन हुआ था लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फैकल्टी वगैरह इनके लेवल की ही है, इसलिए ये भी इस बार इसकी भी कट ऑफ काफी ज्यादा जाने की संभावना है। अब ये तीनों कॉलेजों के अलावा, इन तीनों कॉलेजों के अलावा एक कॉलेज जिसको मैं एडिशनल ले रहा हूं यहां वो है हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट इसको काफी ज्यादा लाइक करते हैं, लाइक इसलिए करते हैं एक तो ये दिल्ली में है, एक तो दिल्ली में है ये, और एक इसकी हर साल कट ऑफ ज्यादा जाती है और फीस काफी कम रहती है, इसकी फीस डिम्ड में काफी कम है, यानी कि पिछली बार 12 लाख थी ये, इस बार हो सकता है कुछ इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट होने के बाद भी इसकी फीस कम रहेगी। तो ये दो रीजन से इसकी कट ऑफ इन तीनों कॉलेज से हाई जाती है, इन तीनों कॉलेज से
इनकी जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई जाती है। तो ये हम मानते हैं कि जो टॉप की है वो केएमसी मणिपाल, मैंगलोर, टाटा और उसके बाद में हमदर्द। अगर आप चाहें तो अपनी कंडीशन में फीस और लोकेशन को देखते हुए इसको टॉप में ला सकते हैं, हमदर्द को टॉप में ले सकते हैं आप। इसके बाद में नेक्स्ट में है कर्नाटका की जेएसएस मेडिकल कॉलेज। जेएसएस मेडिकल कॉलेज जो मैसूर में है, अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में केएस हेगड़े वो भी कर्नाटका की है और एसडीयू कोलार वो भी कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो लोनी ले सकते हैं और इसके बाद में कलिंगा भी ले सकते हैं। इसके बाद दो कॉलेज हाई फीस की हैं लेकिन वो टॉप कॉलेज हैं। दो कॉलेज हाई फीस की हैं लेकिन टॉप कॉलेज हैं। डीआरडीवाई पाटिल, फीस मैंने आपको बता दी है 25,75,000, टॉप की कॉलेज है। ये जो मैं फीस बता रहा हूँ पर ईयर की फीस है, पर एनएम की फीस है इसमें। तो डीआरडीवाई पाटिल की फीस 25,75,000 है लेकिन ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। जो मैंने यूनिवर्सिटी आपको बताई कलिंगा के बाद में इनको ले सकते हैं अगर पैसे ज्यादा हैं तो, जेएस मैसूर के बाद में इनकी रैंकिंग आती है। जो दूसरी कॉलेज है वो है श्री रामाचंद्रा, वो भी टॉप की कॉलेज है। श्री रामाचंद्रा की फीस भी 24,00,000 पर ईयर है लेकिन ये टॉप में गिनती होती है। श्री रामचंद्रा डिम्ड यूनिवर्सिटी है वो। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ हमदर्द की सबसे ज्यादा रहने वाली है। इस बार हम हमदर्द की कट ऑफ देखें तो मैं आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया बता देता हूं। वैसे कट ऑफ रैंक आने के बाद डिसाइड की जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो 560 मार्क्स तक आपको हमदर्द मिल सकता है और 550 मार्क्स तक आपको मणिपाल मिल सकता है। मैंगलोर के लिए 10 मार्क्स कम रहते हैं, टाटा के लिए और भी 20 मार्क्स।